Hey, baby, do you want a lift? मैंने कहा लिफ्ट चाहिए आपको। कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ जा रही हैं आप, I mean to say, जहाँ आप जाना चाहती हैं वहाँ छोड़ दूंगा आपको। मेरे कपड़े गीले हैं। ये तो और भी अच्छा है, गाड़ी धुल जाएगी। आइए आइए, घबराइए मत, आइए बैठिए। स्मार्ट बेबी, ठाकुर साहब, आज फिर गांव से दूर वीरानों में एक अजनबी की लाश मिली है, मोटर कार में। लाश पर जख्मों की लकीरें, आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई। किसी ने बड़ी बेरहमी से खून किया है उसका। कुछ पता चला कि खून किसने किया है? यही तो पता नहीं चला ठाकुर साहब, मगर लाश के पास में एक रुमाल मिला है खून से सना हुआ, जिसमें आपके खानदान का निशान बना हुआ है। ठाकुर साहब, इन लाशों से आपकी बेटी का ताल्लुक है। कल तुम फिर वीरानी की तरफ गई थी? क्यों? ऐसे वहां तुम्हें एक अजनबी मिला था। अजनबी? तुमने उससे लिफ्ट मांगी और आज उसकी लाश गांव की सीमा के बाहर खून से लथपथ पड़ी मिली। खून? किसका पापा? उस आदमी का जिसके साथ तुम कल गई थी। मैं तो किसी के साथ नहीं गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। मैं किसी के साथ नहीं गई थी। अगर तुम वहाँ नहीं गई थी तो तुम्हारा ये रुमाल उस लाश के पास क्यों पड़ा मिला? मैं नहीं जानती, मैं उस आदमी से नहीं मिली, मैं उसकी कार में नहीं बैठी। उसका खून कैसे हुआ मैं नहीं जानती, मेरा रुमाल उसने कैसे पहुंचा मैं ये भी नहीं जानती। मुझ पर यकीन कीजिए पापा, मुझ पर यकीन कीजिए। बेटी, मैं जानता हूं तुम मेरे विश्वास की तरह पवित्र और निर्दोष हो, लेकिन लोगों की जुबान तो बंद नहीं की जा सकती ना। आखिर तुम बंद कमरों में क्यों रहती हो? रात के अंधेरे में वीरानों में क्यों भटकती रहती हो? इन वीरानों में तुम्हें क्या मिलता है? क्या है इन वीरानों में, बताओ बेटे। मुझे वीराना पसंद है, समझे? ओफो प्रोड्यूसर साहब, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? मेरे डेट्स का बहुत मारा मारी है। मैं एक दिन में एक प्रोड्यूसर को एक घंटा देता हूँ। क्या
आप भोजपुरी हॉरर फिल्म बनाना चाहते हैं? अरे लेकिन आप हेलो डायरेक्टर साहब, हेलो प्रोड्यूसर साहब, माफ कीजिएगा। रघु तुमसे कितनी बार कहा कि इस बिल्ली को खाने की टेबल से दूर रखा करो। बाबा की लाडली है ना, वरना मैं तो कब का उसके दूध में जहर मिला चुका होता। ताऊ जी, आज मैं जैस्मिन के साथ सोऊंगी। नहीं बेटे, तुम अपने ही कमरे में सोगी। सोने दीजिए ना पापा, इतनी मुद्दत के बाद तो आई है। क्या बात है साइला, इतनी परेशान क्यों हो? हेमंत, वो अंदर दीदी जैस्मिन। क्या हुआ जैस्मिन को? वो अपने बिस्तर में नहीं है, बाहर बालकनी में। उसकी शक्ल कुछ और, वो जैस्मिन नहीं, कोई और है। चलो आओ। नहीं आओ, बदन तो आग की तरह तप रहा है। तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसा है? ये, अरे हाँ। ये उसी बाबा की बिल्ली की हरकत है। मैं यहाँ सो रहा था, वो मेरे ऊपर झपटी, वो मुझे जान से मार डालना चाहती है। इससे पहले तू उसे जान से मार डाल। काली बिल्ली इसके हाथ कभी नहीं आने वाली। अरे ऐसे कैसे नहीं आने वाली, इधर आ, मेरी बात सुन। एक बोरे के अंदर डंडा खड़ा करो। डंडा? हाँ, बोरे का मुँह खुला रहेगा, उसमें दो तीन मछलियाँ लटका दो, खुशबू मिली समझो बिल्ली अंदर आई। उसके बाद डंडा खींच लो, बोरा बंद हो जाएगा, और फिर उसी डंडे से पटक पटक कर पटक पटक कर पटक पटक बिल्ली को मार दो। हैप्पी एंडिंग। आप शक्ल से हलवाई लगते हैं, पर वाकई डायरेक्टर। हाँ। तुझे तो मैं एक्स्ट्रा का रोल भी ना दूं। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ। पापा ने मुझे खामखा आपके पास भेजा है।
वो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं है डॉक्टर अंकल। मैं जानता हूँ बेटे तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर ठाकुर साहब की तसल्ली के लिए तुम्हें एक बार चेक कर लेता हूँ। बैठो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी। ओके डॉक्टर। रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। मतलब अपने हाथ पाव बिल्कुल ढीले छोड़ दो, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ मत रखो, और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो। इसे गौर से देखो और अपना पूरा ध्यान इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। देखती रहो, देखती रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, अब तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब तुम सो रही हो, सो रही हो। अब तुम सो चुकी हो। जासमीन, कोई पिछली बात याद करो, कुछ साल पहले। जासमीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। मुमकिन है? क्या कह रहे हैं आप? मैंने जासमीन की आवाज भी रिकॉर्ड की है, लेकिन ताजू की बात तो यह है कि वह आवाज जासमीन की नहीं बल्कि किसी और की है। ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म के अंदर से कोई और बोल रहा है। मैं जासमीन नहीं, मैं जासमीन नहीं हूं। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी, मार डालूंगी सबको। क्या बचपन में ऐसा कोई वाक्या या हादसा गुजरा है जिसका असर जासमीन के दिलो दिमाग पर पड़ा हो? डॉक्टर, जासमीन जब 10 साल की थी, मेरा छोटा भाई समीर उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए मसूरी जा रहा था। उस रात न जाने क्या हुआ, समीर को वीराने खा गए। लेकिन जब मेरी बच्ची उन वीरानों से बचकर लौटी तो वो जासमीन नहीं थी। आप ना उम्मीद मत हुई ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी का इलाज करूंगा और मुझे उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, अगर आप कुछ दिनों के लिए यहां रुक जाएं तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी। डोंट वरी, जब तक जासमीन बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा।